दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। चुनावी मुकाबले में सत्ता में काबिज आप, बीजेपी और कांग्रेस मुख्य रूप से मैदान में है। दिल्ली की सत्ता पर कौन सी पार्टी काबिज होगी? चुनाव के नतीजे 11 फरवरी को आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 1 बजे तक 19.37% वोट पड़े हैं। 11 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। 672 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 11 को होगा। कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने एक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने की कोशिश की। अलका लांबा ने जैसे ही कार्यकर्ता पर थप्पड़ चलाया, उसने पीछे हटकर खुद को बचा लिया। बताया जा रहा है कि आपके कार्यकर्ता ने लांबा पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे नाराज होकर लांबा ने हाथ उठाया। अलका लांबा के आप कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने के मामले में कुमार विश्वास ने ट्वीट कर अलका लांबा को योद्धा बताया। लखनऊ में आज शाम 4 बजे डिफेंस एक्सपो का समापन होगा। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े इंडस्ट्री लीडर से मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह एक्सपो में लगे स्टॉल्स भी देखेंगे। इसके बाद शाम में एक्सपो के समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। समापन के बाद 8 से 9 फरवरी 2 दिनों के लिए डिफेंस एक्सपो आम जनता के लिए खुला रहेगा। अयोध्या राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी का बड़ा दावा। महंत कमल नयन दास ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से हुई फोन पर बातचीत। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे महंत नृत्य गोपाल दास और महामंत्री होंगे चंपत राय। ट्रस्ट गठन को लेकर संतों ने किया था विरोध। विरोध के बाद भाजपा के कई बड़े नेता संतों के संपर्क में हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी सुप्रीम कोर्ट में बाबरी के मलबे के मांग करने, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही एक याचिका दाखिल की जाएगी। मुस्लिम समुदाय इस मलबे को किसी साफ सुथरे स्थान पर रखेगा और शरीयत के अनुसार निस्तरण करेगा। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक और वरिष्ठ अभिवक्ता जफरायब जिलानी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने की कानूनी अड़चनें दूर हो चुकी हैं। सीएम योगी गोरखपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर और वाराणसी के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। 3 दिवसीय दौरा 9 से 11 फरवरी तक होगा। सीएम योगी 9 फरवरी को गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में शामिल होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। रोजगार मेले का भी उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी शाम 4 बजे गोरखपुर में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल एवं महिला बटालियन की स्थापना का शिलान्यास भी करेंगे। निर्भया के दोषियों को जल्द फांसी देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा लगाई गई अर्जी को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने दोषियों को फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी करने से भी इनकार कर दिया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के 5 फरवरी के आदेश के मुताबिक 1 हफ्ते का समय 11 फरवरी को पूरा होगा और दोषी अक्षय की दया याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 फरवरी को खारिज कर चुके हैं। लिहाजा दिल्ली सरकार निर्भया के दोषियों को फांसी देने के डेथ वारंट के लिए कुछ समय बाद नई अर्जी लगाए। उत्तर प्रदेश की धरती के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। लखनऊ में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित 11वां डिफेंस एक्सपो 2020 रक्षा के क्षेत्र में निवेश का बड़ा गेटवे बना है। 40 देशों के रक्षा मंत्री और सैकड़ों देशी विदेशी उद्यमी और रक्षा विशेषज्ञों की भागीदारी वाले इस आयोजन में कुल 200 निवेश समझौते हुए हैं। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि डिफेंस एक्सपो में पहली बार इतने समझौते हुए हैं। दिल्ली पुलिस की एक महिला सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई है। महिला पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस थाने में तैनात थी। एसआई प्रीति अहलावत रोहिणी इलाके में मृत मिली है। रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के नजदीक उन्हें कई गोलियां मारी गईं। आज से शुरू हो रही नेशनल स्काइकिंग चैंपियनशिप के लिए विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली पूरी तरह तैयार है। देश भर से लगभग 250 खिलाड़ी औली पहुंच चुके हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत चैंपियनशिप का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहेंगे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में बिना पढ़े पास करना अब बेहद मुश्किल होगा। 18 फरवरी से शुरू हो रहे हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में नकल पर नकेल कसने के पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर और ब्रॉडबैंड कनेक्शन की व्यवस्था के चलते सभी सेंटर की ऑनलाइन वेब टेलीकास्ट के माध्यम से निगरानी भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अपनी शादी का सालगिरह मनाने पहुंचे। हेमंत
सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना और दोनों बच्चों के साथ दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की नृत्य संध्या आरती में शामिल हुए। हेमंत सोरेन के साथ पत्नी और दोनों बच्चों मां गंगा की आरती में मंत्रमुग्ध दिखे। करीब एक घंटे तक पूरे परिवार ने मां गंगा की आरती में दिखे। बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। नितिन गडकरी से गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान NS 121 को लेकर चर्चा हुई। पर्यावरण और शहीदों के सम्मान में प्रोफेसर सनन सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों पदयात्री तिरंगे के साथ वीर सपूत शहीद हरेंद्र यादव के गांव पहुंचे, जहां पर शहीद परिवार को सम्मानित किया गया। साथ ही शहीद के नाम पर पर्यावरण को देखते हुए शहीद परिवार के साथ पौधरोपण भी किया गया। नोएडा के सेक्टर 80 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि एक नाबालिग बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश कई दिनों से इलाके में लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। बदमाशों के कब्जे से लूट के 4 मोबाइल कैश समेत हथियार भी बरामद किए गए हैं। पौड़ी गढ़वाल में एक शातिर गैंग ने ठगी की घटना को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गया है। ये गैंग श्रीनगर में ठगी के अलग अलग वारदातों को अंजाम देकर गायब हो चुका है। ये ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर लोगों के खाते से सेंध लगा रहे हैं। इसी क्रम में शातिर गैंग लगातार व्यापारियों को चूना लगा रहे हैं। पंडित व्यापारियों ने इस संबंध में कोतवाली में तहरीर देकर रुपए वापस दिलाने की मांग की है। देहरादून में शातिर ठग फेसबुक आईडी हैक करके लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। अब तक कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें न सिर्फ साधारण लोग इस ठगी का शिकार हुए हैं, बल्कि सहायक पासपोर्ट अधिकारी, पुलिस के दरोगा और कई अन्य अधिकारियों की फेसबुक आईडी को हैक कर साइबर ठगी को अंजाम दिया गया है। देहरादून में ट्रेनों का संचालन 10 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। देहरादून यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के चलते 3 महीने से बंद रेलवे स्टेशन अब अपने नए लुक में दिखाई देगा। देहरादून का रेलवे स्टेशन अब बदले स्वरूप में दिखाई देगा। 3 महीने से ट्रेनों का संचालन न होने के चलते रेलवे को 13 करोड़ से ज्यादा का नुकसान भी पहुंचा है। राष्ट्र कृमि मुक्त दिवस कार्यक्रम का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया, जिसके बाद अब 10 फरवरी को प्रदेश भर में 1 से 19 साल के बच्चों को एल्डालोबेज की दवा खिलाई जाएगी। वहीं सभी आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, कॉलेज में यह अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि सरकार ने 45 लाख बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य तय किया है, जिसकी शुरुआत आज से की गई है। द्वाराहाट विधायक महेश नेगी ने सीएम त्रिवेंद्र रावत को पत्र लिखा है। उन्होंने गैर सैनी को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की है। इस मामले पर कार्यप्रयाग विधायक सुरेंद्र नेगी ने महेश नेगी का समर्थन किया है। सहस्त्र धारा से चिलनिया लौसॉड के लिए हेली सेवा की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने उड़ान योजना का शुभारंभ किया। सहस्त्र धारा से चिन्याली सॉर्ड का किराया 3320 रुपए होगा। दोनों स्थानों के लिए रोजाना 2 फ्लाइटें होंगी। आगरा में साउंड लाउडस्पीकर की दुकानों में आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। थाना मंटोला के सदर भट्टी की घटना बताई जा रही है। नवी मुंबई में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। नवी मुंबई के नेहरुल सेक्टर 44 की ही सी होम्स नाम की बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। इसके साथ ही एक एम्बुलेंस और एक क्विक रिस्पांस व्हीकल भी घटनास्थल पर पहुंच गई। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। कुमाऊं विश्वविद्यालय पोलैंड के छात्रों को अब उत्तराखंड की सांस्कृतिक शिक्षा और विश्वविद्यालय में हो रहे शोध से जोड़ेगा। हाल ही में पोलैंड के छात्रों को कुमाऊं विश्वविद्यालय में बुलाकर उत्तराखंड की सांस्कृतिक और पोलैंड की शिक्षा व्यवस्था के आदान प्रदान के लिए प्रयास शुरू किए गए थे। इसी आधार पर अब उच्च शिक्षा विभाग दुनिया भर में देशों से भी इसी तरह से करार किए जरिए छात्रों को शिक्षा के आदान प्रदान को लेकर रूपरेखा तैयार कर रहा है। हालांकि विभाग फिलहाल ऐसे कार्यक्रमों के लिए वित्त की स्वीकृति लेने के प्रयास में जुटा है। पुलिस आगरा में हुए दोहरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में लगी है, लेकिन अभी तक वो DVR भी बरामद नहीं कर पाई है। शमशाबाद सरफरखा दंपति के हत्याकांड का मामला DVR बरामद करने का प्रयास में जुटी पुलिस। रिमांड के तीसरे दिन आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने पंचाना नदी में खोजबीन की। नदी में गोताखोरों की मदद से DVR को ढूंढने में लगी है।
कानपुर के डीएवी कॉलेज में एलएलबी का पेपर देने जा रहे छात्रों ने हंगामा कर दिया। छात्रों ने सड़क जाम कर जमकर नारेबाजी और हंगामा किया है। जानकारी के मुताबिक कॉलेज में एंट्री को लेकर छात्रों को रोका गया, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने हंगामा किया है। झांसी के थाना प्रेमनगर में R9 टीवी की खबर का हुआ बड़ा असर देखने को मिला है। सात प्रेमनगर में ग्वाल टोली में खाप पंचायत ने पांच पंचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल गांव के एक प्रेमी युगल को प्रेम विवाह करने से जुर्म में गांव के खाप पंचायत ने एक तलीबानी फरमान सुनाया था। इस फरमान में कहा गया था कि अगर बिरादरी में रहना है तो लड़की को गौमूत्र पीना होगा और गोबर खाना पड़ेगा। नोएडा में बिजली विभाग ने बड़ा घोटाला सामने आया है। ये निजी बैंक और बिजली विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकार को 1,27,00,000 का घोटाला किया गया। उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल को दूसरे के खाते में जमा कर इस घोटाले को किया गया है। पिछले एक साल से यूपी पावर कॉरपोरेशन को चूना लगाया जा रहा था, जिसके बाद बिजली विभाग के अधिकारी ने नोएडा पुलिस को इसकी शिकायत की। नोएडा के सेक्टर 49 थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में SIT का गठन कर मामले की जाँच की जाएगी। लखीमपुर खीरी में बॉर्डर डेवलपमेंट को लेकर पैकफिड निषाधान इलाके में पांच स्कूल बाउंड्री में निर्माण किए गए ठेके में 27,62,00,000 का घोटाला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद जांच की गई, जिसके आधार पर परियोजना अधिकारी के गंगवार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। तो वहीं जांच के दायरे में आए दूसरे आरोपी अधिकारी तिलक सिंह पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कानपुर में PFI के सदस्यों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सदस्यों ने हिंसा के पीछे SDPI को राजनीतिक चेहरा बताया है। CAA के विरोध में हिंसा भड़काने में SDPI की साजिश थी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया PFI की मदद कर रही है। कानपुर के हीरा व्यापारी उदय देसाई बैंक फ्रॉड केस में पांच बैंकों के प्रबंधकों ने CBI को अपने बयान दर्ज कराए हैं। प्रबंधकों के बयान के आधार पर आगे की जांच होगी। उदय और उनके सहयोगियों पर ED ने भी FIR दर्ज की है। हीरा व्यापारी उदय पर बैंकों का 3,592 करोड़ रुपए का कर्ज बाकी है। हीरा व्यापारी उदय देसाई पर 3,592 करोड़ रुपए बैंक फ्रॉड का केस है। उदय देसाई की कंपनी फ्रॉस्ट इंटरनेशनल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उदय देसाई ने कंपनी के नाम पर 14 बैंकों से कर्ज लिया था। 21 जनवरी को मुंबई में 13 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत बेटियों को बढ़ावा देने के लिए फरुखाबाद में कुछ अस्पतालों में गुड्डा गुड्डी बोर्ड लगाने से पहल की गई है। अस्पताल में लगा ये बोर्ड बताएगा कि एक महीने में उस अस्पताल में कितने गुड्डे और कितनी गुड्डियों ने जन्म लिया है और दोनों में अंतर कितना रहा। यूपी के रामपुर में 21 दिसंबर को CAA के विरोध में रामपुर जेल में बंद 15 लोगों की आज कोतवाली में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर हो गई है। जेल में रिहा कराने के लिए अधिवक्ता सैयद आमिर मियां और अधिवक्ता मोहम्मद रहमान ने बिना फीस लिए इन लोगों की जमानत कराई है। सोनभद्र के शाहगंज थाना इलाके में एक मांगलिक कार्यक्रम में आए लोगों ने इसे 45 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। लोगों को पेट दर्द, उल्टी दस्त और तेज ठंड से के साथ बुखार जैसी समस्या शुरू हो गई, जिसको देखते हुए परिजनों द्वारा लोगों की CHC शाहगंज जिला अस्पताल और निजी अस्पताल में भर्ती कर घर में शादी का माहौल होने की वजह से संबंधी और रिश्तेदार इकट्ठे थे और सब लोगों ने साथ में खाना खाया, जिसकी वजह से लोगों को फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या। इलाज के लिए लोगों को CHC शाहगंज निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरदोई में आगामी बोर्ड परीक्षाओं में नकल माफियाओं पर नकेल लगाने के लिए शासन के निर्देशानुसार CCTV कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर के साथ इस बार जिले में बने कंट्रोल रूम से सभी परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जाएगी। कानपुर में LLB का पेपर देने जा रहे छात्रों ने हंगामा कर दिया। सड़क जाम कर छात्र कर रहे हंगामा और नारेबाजी की भी की। पेपर देने से रोके जाने पर छात्रों ने विरोध किया। कुशीनगर में एक स्कूल वैन बेकाबू होकर पलट गई। हादसा खड्डा थाने के सारंग छपरा के पास हुआ। इस हादसे में एक मासूम की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे घायल हैं। घर से बच्चों को लेकर वैन स्कूल जा रही थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ था। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में कोरोना वायरस की दहशत से बौद्ध तपोस्थली में स्थित मंदिर को बंद कर दिया गया है।
एटा में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बच्ची शौच करने गई थी, तभी उसके साथ अज्ञात लोगों ने दुष्कर्म किया। बागपत में 4 पुलिस वालों पर केस दर्ज, शिक्षक को अवैध रूप से हिरासत में रखने का मामला, 28 साल पहले हिरासत में लिया गया था। बलिया में सारंगपुरा इलाके में बिंद बस्ती में बीती शाम अचानक आग लग गई। भीषण आग के दर्जनों झोपड़ियों और आगोश में लिया। बताया जा रहा है कि आग से सब खाक हो गया है। भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। रोहित न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को खेले गए आखिरी T20 में चोट लगने के चलते मैदान से बाहर हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने हार्दिक पांड्या की जगह टीम इंडिया का हिस्सा बने ऑलराउंडर शिवम दुबे को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी को और समय देना चाहिए। एक बार फिर अंडर 19 विश्व कप पर कब्जा जमाने के इरादे से भारतीय टीम रविवार को मैदान पर उतरेगी और उसके सामने बांग्लादेश की चुनौती होगी। गजल किंग कहे जाने वाले बेहतरीन गायक जगजीत सिंह का आज जन्मदिन है। जगजीत सिंह ने हिंदी के अलावा कई अन्य भाषाओं में भी गाने गाए हैं। फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म शिकारा रिलीज हो गई है। इसमें आदिल खान और सादिया मुख्य किरदार में नजर आ रहे हैं और फिल्म को बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है। विकी कौशल की अपकमिंग फिल्म भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप को लेकर जबरदस्त बच बना हुआ है और फिल्म का ट्रेलर भी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहा है।